हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वाति, आई एम अ पैटेंट एजेंट एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5+ ईयर्स इन दिस फील्ड। सो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैम सेक्शंस पढ़ाओ सेक्शंस पढ़ाओ, हिंदी में एक्सप्लेन करो, राइट। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आई मेरे पास, तो ठीक है आज मैं कोशिश करती हूँ आपको सेक्शन 15 समझाने का। पैटेंट एजेंट एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो प्लीज़ आप लोग अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही दिन भर पढ़ो, 2-2.5 घंटे भी अगर आप डेली का मेहनत कर रहे हो, राइट, तो सफिशिएंट है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए 2 मंथ, राइट। बहुत लोग वर्किंग है, मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी हैं 85% लोग वर्किंग होंगे, क्योंकि पैटेंट एजेंट की जो भी प्रिपरेशन करता है लगभग वो लोग वर्किंग होते हैं, कुछ काम करते रहते हैं देन प्रिपरेशन करते हैं, राइट। कोई बैठ के प्रिपरेशन तो नहीं करता, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बैठ के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल UPSC की तरह बैठना है और डेडिकेटेड होकर पढ़ना है, 2-2.5 घंटे पढ़ो सफिशिएंट होता है ना। बस आपको वे पता होना चाहिए किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करेंगे लिखेंगे। और अभी एक मेरे सब्सक्राइबर्स है, उसने मुझसे नोट्स भी मांगे हैं और मैंने उसको दिया भी है आंसर्स की, तो जिनको चाहिए वो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, राइट। आपको कोई भी प्रीवियस ईयर्स आंसर्स चाहिए ड्राफ्ट क्लेम मैपिंग के लिए, ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस के आंसर्स, तो वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी। चलिए सेक्शन 15 की बात करते हैं, पावर ऑफ कंट्रोलर टू रिफ्यूज़ अ रिक्वायर्ड अमेंडेड एप्लीकेशन। आज हम इसकी बात करेंगे कि जो पावर ऑफ कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर के पास ये पावर होता है कि वो आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करेगा या अमेंड करेगा, राइट। तो किस केस में करते हैं ऐसा कंट्रोलर, वो आज आपको बताऊँगी। वे आर द कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेशन और एनी एस्पेक्ट, मतलब मान लो आपने कोई भी एप्लीकेशन फाइल किया, कुछ आप उस एप्लीकेशन में अपना डॉक्यूमेंट दिए हो, कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन मैंशन किए हो, ठीक है, अगर वो उनके रिक्वायरमेंट उनके एक्ट उनके रूल्स के हिसाब से नहीं होगा तो कंट्रोलर आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकता है एज़ पर सेक्शन 15, राइट। तो ये पावर होता है कंट्रोलर के पास, वो नहीं तो वो रिफ्यूज़ करेगा, नहीं तो वो रिक्वायर अमेंडेड करेगा। तो उनको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए आपके इस एप्लीकेशन से, जो भी आपने स्पेसिफिकेशन डाला है, जो भी डॉक्यूमेंट आप दिए हो, वो सारी चीज़ें उनके रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट। बिफोर ही प्रोसीड्स विद द एप्लीकेशन, रिफ्यूज द एप्लीकेशन एंड फेलियर टू डू सो, तो इस वजह से आपका क्या होता है, एप्लीकेशन फेल हो जाता है। तो यही है सेक्शन 15, जिसमें पावर ऑफ कंट्रोलर के बारे में आपको बताया गया है कि वो रिफ्यूज़ और रिक्वायर अमेंडेड एप्लीकेशन किस केसेस में करते हैं। तो वो इस केसेस में ये काम करते हैं, तो हमें सारी चीज़ें जो भी एप्लीकेशन हम फाइल करेंगे अपने पैटर्न के लिए, राइट, उसके स्पेसिफिकेशंस, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके रूल्स, उनके एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आई होप सेक्शन 15 आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं। अभी हम सेक्शन पे वीडियोस लाने वाले हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ बने रहो। अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाना। थैंक यू सो मच।